राम राम दीदी। राम 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 राम। बोलियो कहाँ से आए रहा तुम? आए हाँ मोरीपुरा में गई थी, वो जीजी ने मिलना के लिए। हाँ जीजी, अभी मक्की वक्की काटी ली आज की? हाँ जीजी, अभी मकई ने तो मोड़ी ली, पर अभी ठंड को मौसम आई गयो तो अभी गेहूं बोने की तैयारी हो ही रही। हाँ जीजी, तुम गेहूं बो तो डीएपी डालो कि नहीं हो काम? हाँ तो डीएपी तो डालना पड़ेगा। हाँ तो जीजी, तुमका हाँ एक जानकारी बताता हूँ कि हाँ। वो काम डीएपी नहीं डालो नहीं तब भी वो नहीं उत्पादन होएगा। आसो हाँ ठीक बताई दीजो। हाँ तो जीजी, तुमका हाँ एक दवाई बताऊंगा, घन जीव अमृत बनाना। हाँ आसो कहीं भी बताया करो जीजी। घन जीव अमृत डालना से डीएपी को खर्चो बची जाएगा, न फसल तो उतनी ही आवेगा। आसो हाँ तो जीजी, वो घन जीव अमृत बनाने के लिए काय काय सामान लगेगा? हाँ तो जीजी, घन जीव अमृत बनाने के लिए अपना का हाँ। गाय को सूखो गोबर चाहिए और गौमूत्र चाहिए और बेसन चाहिए और गुड़ और मेड़ की मिट्टी, ये तो सामान लगेगा। हाँ तो जीजी, अभी बनावना बता ही दे, वो काय करो अभी ये सामान तो सब अपना घर मिल जाएगा। हाँ तो जीजी, तुम्हारा जब टाइम हो तो आओ, यो घन जीव अमृत बनाओ अभी भी बताई दो। हाँ बताई दे वो नहीं। हाँ तो जीजी, अभी तुमको हाओ देसी गाय को सूखो गोबर छनी वो का 5 किलो बनाने बताऊंगा। अभी तुम बाद में बनाओ नहीं, पूरा खेत का लेन तो ज़्यादा बनाओ जो, अभी हाँ 5 किलो बनाने बताई देऊंगा। हाँ तो जीजी, अभी तुम 5 किलो बनाने हमको बताई देवो तो फिर बाद में हम पूरा खेत का लेन हम बनाई ले आऊंगा। हाँ तो जीजी, सबसे पहले अपन गाय को सूखो गोबर ले आएंगे, नौका अच्छो से कुटी ले आएंगे बारीक। हाँ हाँ तो जीजी, गोबर का अपन बारीक पीस ही लिया, अभी एक अंदर जो बारीक बारीक दगड़ा रहेगा नहीं वो भी निकाल लेगा, कन क्या रहेगा वो भी निकाल लेगा। हाँ तो जीजी, 5 किलो गोबर सूखो छे एक अपन टघारी में रखी लेगा। हाँ हाँ जीजी, अभी एका में अपन बेसन मिलाऊंगा 100 ग्राम। हाँ जीजी, बेसन अपन ने मिला ही दियो, अभी एक बाद में मेड़ की मिट्टी 100 ग्राम मिलावांगा। हाँ 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 जीजी, अपन बेसन और मिट्टी मिलाई दिया, एक बाद में अभी अपन गुड़ मिलावांगे 50 ग्राम। हाँ हाँ जीजी, गुड़ की गंगड़ी ने रह जानी ओका आशा हाथ से फोड़ी लेनो। हाँ वाह हाँ जीजी, अभी एक काम सब मिला दियो, आखिरी में 1 लीटर गौमूत्र डालांगन फिर एक अच्छो सो आटा जैसो गूंदी ले आऊंगा। ठीक
हां जीजी अभी एक काम अपन सब मिलाई दियो एक बाद में दो दिन का ले थैला से अच्छो एक ढाकी न रखी दे आंगा ठीक हां जीजी अभी अपन एक मिलाई न रखे है ओका दो दिन हुई गया अभी एक थैलो निकाल दे आंगा न कंडा बनावांगा हां तो जीजी एका का अभी कंडा बनाई लेवा हाँ जी जी अभी अपन एको कंडा बनावांगा ने एक हफ्ता के लिए सुखाना के लिए रखी देंगा हाँ जी गर्मी को टाइम रहनी तो वो अपन थैलो ढकानी ओका पर पानी डालता रहनो न प्लास्टिक की थैली नहीं ढकनो थैलो ढकनो छी हां तो जी एक हफ्ता बाद अपना कंडा सूखी जाएगा ओका बारी करी न थैलाम भरो या ऐसा के ऐसा कंडा का थैलाम भरी लो हां तो जी अपन इसकी ये इनकी उपयोग केतरा दिन करी सका जी अपन एक बनाए नहीं एक बार तो 6 महीना तक एक उपयोग कर ही सकांगा ठीक हाँ तो जी अपन एक घन जीव अमृत तभी बनाई लियो पर खेत में का कसो उपयोग करनो हाँ जी अपना घर में सड़ी हुई गोबर को खाद मिल जाएगा नहीं ओका में 2 किलो घन जीव अमृत मिले न ओका में डाली देंगे हाँ तो जी वो सड़े गोबर की खाद कितरू लेनो ओका में हाँ तो जी 10 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद में 2 किलो घन जीव अमृत मिलावांगा हाँ तो जी खेत के अंतिम जुताई रहनी ओका समय बाद में डाली देनु एक हाँ जी सब्जी रहनी ओका गोड़ में खाडो करी देनु न कंडा को टुकड़ो डाल देनु न ऊपर से मिट्टी ढाकी देनु हाँ तो जी चलो अभी अतिरिक्त जानकारी हमको तुमने दी तो वो का लेना धन्यवाद हाँ जी अच्छो अभी हाँ चलो हाँ चलो चलो।